दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और डेमन हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले आप जाके उन्हें देख लें, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली और बुल्ली शॉन को अपने घर पार्टी करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद कल्लू मामा भी उनके घर पर भागते हुए आ जाते हैं। वो काफी परेशान लग रहे होते हैं, तभी सारे लोग उनकी परेशानी की वजह पूछते हैं, और यह जानकर सारे लोग कल्लू मामा के साथ जीप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और फिर गुल्ली गाड़ी को भगाता हुआ बाबा के घर की तरफ ले जाने लगता है। थोड़ी देर में ये लोग बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग बाबा को सारी बात बताते हैं कि कैसे एक नरक से आए दानव ने कल्लू मामा के गाँव पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के सारे लोगों को मारकर अपने साथ मिला लिया है। कल्लू मामा को आपकी मदद चाहिए, अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो उन्हें मजबूरन हमारे घर रुकना पड़ेगा और इससे हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। ये सुनकर बाबा बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग के साथ कल्लू मामा के गांव चलता हूँ। इसके बाद ये लोग जीप में बैठ जाते हैं और बाबा अपनी जादुई छड़ी और हथौड़े को हाथ में लेकर बोनेट पर स्टाइल मारते हुए खड़े हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ता काफी सुनसान और खाली था, इसलिए बुल्ली गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है और थोड़ी देर में ये लोग कल्लू मामा के गांव पहुंच जाते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद बुल्ली को मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ती है और फिर इन लोगों को सामने कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। आखिर इन लोगों ने ऐसा भी क्या देख लिया? अरे ये क्या, ये तो पंपकिन मैन है, लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकता है? ऐसे ही बहुत सारे दानव इस पूरे गांव में फैले हुए होते हैं। ये लोग देखने में काफी ज्यादा डरावने और खतरनाक लग रहे होते हैं और ये सभी इधर उधर देख रहे होते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी बाबा पंपकिन मैन की ओर देखते हुए बुल्ली से बोलते हैं, मार, मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। और ये सुनकर बुल्ली भी गुस्से में आ जाता है और फिर बाबा बुल्ली की तरफ देखते हुए बोले कि बुल्ली अब तुम गाड़ी को पीछे ले, क्योंकि ये मोटा राक्षस ऐसे नहीं मानेगा। एक तो ये इतना मोटा है, अगर हम लोग इसे ठोकेंगे तो हम ही लोग की गाड़ी पलट जाएगी, इसलिए तुम जल्दी से गाड़ी को पीछे लो, मैं इसे फिर बताता हूँ। बुल्ली इतना सुनते ही तुरंत गाड़ी को पीछे की तरफ रिवर्स गियर में ले जाने लगता है और लगभग 10 मीटर पीछे गाड़ी को ले जाकर रोक देता है। और इसके बाद वो मोटा राक्षस इन लोगों को देखकर चिल्लाने लग जाता है और ये देखकर बाबा भी फुल मोड में आ जाते हैं और काफी गुस्से से बाबा भी जीप पर से एक ऊंची छलांग लगा देते हैं। शायद अब इस मोटे राक्षस का टाइम आ चुका है। बाबा के छड़ी से हवा में ही एक तलवार अपने आप बाहर आ जाती है और फिर बाबा उस तलवार से डीमन पर हमला करने वाले होते हैं और डीमन भी बाबा पर हमला करने वाला होता है, लेकिन बाबा उस पर पहले ही तलवार से हमला करके उसका खेल वहीं पर खत्म कर देते हैं। और ये देखकर दूसरे पंपकिन मैन को बाबा पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाबा की तरफ आने लगता है, और इससे पहले कि वो बाबा पर हमला कर पाता बाबा उसे अपने हथौड़े से ही एक जोरदार बिजली का झटका देते हैं, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और वहीं पर फट जाता है। और ये सब कुछ वो दोनों चुड़ैले भी देख रही होती हैं। तभी उनमें से एक चुड़ैल बाबा पर हमला करने के लिए आगे आती है, इससे पहले कि वो भी बाबा पर हमला कर पाती बाबा उसे भी हैमर से एक जोरदार हमला कर देते हैं और उसका काम वहीं पर समाप्त हो जाता है। और इसके बाद बाबा उसे गौर से देखने लगते हैं कि वो सही में मरी है या फिर वो नाटक कर रही है। अभी जब उन्हें तय हो जाता तो वो इनकी तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पर ये सारे के सारे एक साथ बाबा पर हमला करने के लिए आगे आते हैं और ये 7-8 लोग मिलकर लगभग बाबा को पकड़ने के लिए आगे आ रहे होते हैं। और बाबा के पास आते ही ये सारे के सारे बाबा को पकड़ लेते हैं, जिससे बाबा कोई भी हमला ना कर पाए। और ऐसा होता भी है, बाबा अपना हाथ पैर नहीं हिला पा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह इनसे छूट जाएं, लेकिन ये लोग उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद ये सारे के सारे किसी तरफ देखने लगते हैं और ये इसकी तरफ देख रहे होते हैं। ये राक्षस बाबा को देखकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है, इसके हाथ में एक काफी खतरनाक हथियार भी है। थोड़ी देर हंसने के बाद ये बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है और एक जोरदार छलांग मारकर अपने कुल्हाड़ी को बाबा की तरफ किए हुए नीचे आने लगता है और फिर वो बाबा के सर में अपनी कुल्हाड़ी को घुसा देता है और बाबा का काम वहीं पर तमाम हो जाता है।
तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली सोहन और कल्लू मामा का? क्या ये लोग जिंदा बच पाएंगे या फिर ये लोग भी बाबा की तरह मारे जाएंगे? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।